भागवतम को प्रणाम। परम पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयनंदा जी को प्रणाम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। यू मैम। हरे कृष्णम आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आगे हम अपनी भागवत कथा आरंभ करते हैं। कल हमने किया कर्तव्य का स्वरूप, आज हम करेंगे तत्व का स्वरूप। कर्तव्य का स्वरूप हमने देखा था कि अर्थ धर्म के लिए है, धर्म मोक्ष के लिए, और काम केवल शरीर धारण करने के लिए है, और शरीर धारण तत्व जिज्ञासा के लिए है। आज हम जिस हम तत्व जिज्ञासा की बात कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे कि ये तत्व जिज्ञासा क्या है, तत्व जिज्ञासा का स्वरूप क्या है। अब कोई कह सकता है कि महाराज यह तो ठीक है कि हमारे जीवन का प्रयोजन तत्व की जिज्ञासा है, परंतु अब प्रश्न यह उठता है तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या है, सत्य क्या है। अतः अभी यह बताते हैं तत्व किसे कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्व विदस्त्वम् यज्ज्ञानम् द्वयम् ब्रह्मेति परमात्म एति भगवान इति शब्द्यते। वह जो तत्व है उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है? अद्वयम् ज्ञानम्, जो अद्वितीय चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वही तत्व है और वही हमारा स्वरूप है। और जैसा कि हम देख चुके हैं भागवत ग्रंथ, भगवान और भक्त, इनमें कोई भेद नहीं होता। एक ही अद्वै तत्व अनेक नाम रूपों में हमको दिखाई दे रहा है, वही तत्व है। अब उदाहरण के लिए जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में असंख्य पदार्थ दिखते हैं और हर चीज को हम अलग-अलग समझते रहते हैं। लेकिन बताओ, क्या यह वास्तविक ज्ञान है? क्या यह सत्य नहीं है कि केवल हमारा एक मन ही स्वप्न में अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है? जब यह समझ में आ जाता है कि एक ही तत्व सब रूपों में दिखाई दे रहा है, तब उसे असली ज्ञान कहते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि इस सारे संसार में सब रिश्ते नाते, सब घटनाओं का, सभी का सार सिर्फ एक ईश्वर है। वास्तव में तो चैतन्य तत्व ही मन के रूप में दिखाई दे रहा है, स्फुरित हो रहा है, और यह मन ही अनेक नाम रूपों में प्रकट हो रहा है। उस एक तत्व का बोध हो जाना ही तत्व का ज्ञान है। यदि कोई कहे कि 25 तत्व हैं, 26 तत्व हैं, जैसे कोई दर्शन शास्त्र 3 तत्व बताता है तो कोई 4, कोई 25, कोई 26, कोई 28, तो कोई अनंत तत्व भी बताता है।
वह सबका सब आपेक्षिक है। तत्व तो एक ही है, वही ज्ञानम अद्वयम है। आगे बताते हैं, जन्मा अध्यस्य यतो अन्वय आदि तरत अश्चार्थे अश्विज्ञ सव्राट। वह तत्व, वह परमात्मा ही ब्रह्म कहलाता है, उसी को भगवान कहते हैं। अब बताइए, लोगों को लगता है भगवान माने कहीं कोई सातवें आसमान पर बैठा हुआ है, उसको हम पर जरा भी दया नहीं आती। और लोग कहते हैं, भगवान आप क्या अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो? अरे भगवान तो तुम्हारे हृदय में है, यहीं पर अद्वैत चैतन्य रूप में विराजमान है। यह हुई सार की बात। प्रथम स्कंद का यह दूसरा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें से इतनी सी बात समझ ली तो सब कुछ समझ लिया। शेष कथाओं के द्वारा जो जो बता बात बताई जाने वाली है, सार रूप में वह यही है। आगे चतुर्थ स्कंद में सती जी व दक्ष जी की, फिर ध्रुव जी की, उसके बाद राजा पृथु की और फिर पुरंजन की कथा कही गई है। उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बस यही विषय बताया गया है। कौन सी बात किस लिए, यह हमको मालूम होना चाहिए। इसी का विस्तार आगे किया गया है। इसलिए सिद्धांत रूप से यहाँ समझ लें कि तो फिर वे सब कहानियां भी समझ आ जाएंगी, अन्यथा बिना समझे बिना सुने ही भागवत की किताब पढ़ने बैठे तो एक कथा में दूसरी कथा, फिर उसमें तीसरी कथा, इस प्रकार वह सब बिना सिर पैर की कहानी जैसी जान पड़ती है। अतः चार पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद रख देंगे। मैंने स्वयं भी रख दी थी इसलिए बता रहा हूँ। कितनी बार भागवत की किताब उठाई होगी और रख दी, क्योंकि उसमें क्या है, ये देखने की दृष्टि नहीं थी। एक बार दृष्टि आ जाए तब देखो इसमें कैसा आनंद आने लगता है, सारी कथाओं का रहस्य भी समझ आने लगता है कि कौन सी कथा किस लिए है। ऐसा गुरुजी ने जब बताया तो मुझे याद आता है कि सत्य बात है। मैंने भी 2 वर्ष पूर्व ये भागवतम लाई थी कि पढ़ूंगी, बट ऐसे ही लगता था कि कथा है तो कभी हुआ नहीं। बट अभी समझ में आता है कि इसमें कितना गूढ़ तत्व, कितना ज्ञान निहित है, तो पढ़ने में आनंद भी आता है। आगे गुरुजी बताते हैं, अब सूत जी को लगा कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे आप बहुत तात्विक चर्चा करते हो, यह सब तो बड़ी दार्शनिक और कठिन व्याख्या है, हमको तो व्यवहारिक उपाय चाहिए। ऊपर उठने की सीढ़ी चाहिए। आपने कहा धर्म का परम प्रयोजन भगवत भक्ति है, वह कैसे? भागवत के आधार पर ही आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भगवत भक्ति रसायन नामक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें भक्ति की वे सभी भूमिकाएं बताई गई हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इस पर तात्विक चर्चा के बाद सिद्धांत रूप से साधना बताते हैं कि हम प्रारंभ कहाँ से करें। यह प्रश्न हमारे मन में रहता ही है, क्योंकि हम तो बिल्कुल लोअर केजी प्रारंभिक कक्षा में हैं, तो हम प्रारंभ कहाँ से करें? अर्थात धर्माचरण करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और फिर श्रवण, मनन, निध्यासन,
करना है, तो अब शुरुआत कहाँ से करें? तो आगे बताते हैं। सुश्रुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चेवनाथ। तो कहा प्रारंभ तीर्थ यात्रा से करो। पहले तीर्थ शब्द का अर्थ भी समझ लो। तीर्थ यात्रा माने यह नहीं कि 10,000 रुपए में 4 धाम की यात्रा कराए, एक बस कर ली और 15 दिन में सब जगह घूम के आ गए। ऐसी तीर्थ यात्रा पर बहुत से लोग जाते हैं और 2-4 दिन में ही थक कर परेशान हो जाते हैं। फिर होता यह है कि कहते हैं उसको छोड़ दो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े चलो, आगे बढ़ो। इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, फिर भी थक कर जाते हैं और सोचते हैं कि जितना देख लिया बस उतना ही ठीक है। सिर्फ फोटो लेते रहने और बाद में फोटो लेते लेते भी थक जाते हैं। बोलते हैं रेडीमेड मिल जाते हैं, उन्हीं को ले लेंगे, क्या क्या करते रहेंगे। इस प्रकार वे परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, तीर्थ शब्द का अर्थ है तरंती अनेन इति तीर्थम, तरंती अनेन इति तीर्थम। तीर्थ वह है जिसके द्वारा मनुष्य तर जाता है, इस भव सागर से पार हो जाता है। तीर्थ कोई एक विशेष स्थान ही नहीं होता, इसलिए असली तीर्थ यदि कोई है तो वह है मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्री रामचरितमानस जी से लिया गया है। वहां साधु समाज संत लोग ही असली तीर्थ हैं, उनके द्वारा ही हम सब भव सागर को पार कर सकते हैं। वे तो चलते फिरते प्रयागराज हैं। कहने का अर्थ यह नहीं है कि ऋषिकेश आदि तीर्थों में न जाएं, लेकिन कहा महत सेवया। तीर्थ क्षेत्र में जब जाते हैं तो सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि वहां महापुरुष कौन है। आजकल हम बहुत इमारतों को देखते रहते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं तो चोटी वाले के पास जरूर जाते हैं। किसी महापुरुष के पास जाएं या ना जाएं, जो लोग ऋषिकेश नहीं गए हैं उनको मालूम नहीं होगा, वहां पर चोटी वाला नामक हलवाई की एक दुकान है, होटल है। कोई जब ऋषिकेश से आता है तो उससे पूछते हैं चोटी वाले के पास गए थे? अरे तीर्थ यात्रा का तात्पर्य है महत सेवा, महापुरुष की सेवा। महापुरुष की सेवा करने से क्या होगा मालूम है? सुश्रुषोः श्रद्धानस्य, मन में श्रद्धा पैदा होने लग जाएगी, इसलिए महत सेवा पहली मानी गई है। बोलिए बांके लाल बिहारी जी की जय। एक बार अपने मन में कृष्णा के स्वरूप का ध्यान कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे श्री रामचरित मानस जी में से ही गुरु जी ने बताया, प्रथम भक्ति संतना कर संगा। पहली भक्ति सत्संग है, सत्संग से प्रारंभ करो। सत्संग करोगे तो मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी और सुनने की इच्छा होगी। ये जो हम कर रहे हैं ये भी सत्संग ही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब इस सत्संग में मेरे साथ हैं।
इससे क्या होगा, वासुदेव कथा रुचि ही। श्री रामचरितमानस जी में ही कहा गया आगे, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में रमन होने लगेगा, रस आने लगेगा। तो पहले तीर्थ यात्रा, यहाँ तीर्थ यात्रा का तात्पर्य है सत्संग, महापुरुषों की सेवा। उससे श्रद्धा उत्पन्न होगी और तब श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करने लग जाओगे और तब श्रृण्वताम सब कथाम कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यंतस्थो हभद्राणि विदुनेति सुहृदस्ताम। जब हम भगवान की कथा सुनने लग जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहां जो कूड़ा है उसे उड़ा देते हैं, साफ कर देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल कंचनम। मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। ऐसी हम सब भी कान्हा से प्रार्थना करते हैं, हे कान्हा आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। क्योंकि भगवान का निवास होगा तो वे सारी गंदगी को हटा देंगे। हमारा हृदय व्यर्थ की बातें सुन सुनकर ही खराब हुआ है। किसी व्यक्ति के बारे में मन में जो द्वेष पैदा होता है वह प्राय सुनकर ही होता है। कोई ऐसे ही झूठी सच्ची बात बताता रहता है और हम सुन सुनकर अपना मन खराब कर लेते हैं। कोई जब यह कहता है कि आदमी बहुत अच्छा है, 10 लोगों से उसके विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो उस आदमी के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव उत्पन्न होता है। अतः हम क्या सुनते हैं इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं और हृदय में जमे हुए सारे कचरे को साफ कर देते हैं। जब कचरा साफ हो जाता है तब क्या होता है, नष्ट प्रायश्च व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जब हमारे मन से मैल पूरी तरह से निकल जाता है तब मन में भगवान के लिए नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। ऐसी भक्ति होती है कि वे कभी भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होती। भगवान में रति हो जाती है। अभी हमारे मन में दूसरे विषयों की कामनाएं हैं, इसलिए भगवान के लिए हमारा जो प्रेम है वह शुद्ध नहीं है, इसलिए उसमें निष्ठा नहीं आती, वह इधर उधर भाग जाती है। लेकिन जब मन रजोगुण व तमोगुण से मुक्त हो जाता है तो बस फिर क्या कहना। देखो, ऋषियों ने पूछा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेय किस में है, तो बोले भगवत भक्ति उत्पन्न होने में है। सच ही है, हमारे धर्म का प्रयोजन भी भगवत भक्ति ही है, इस कथा का प्रयोजन भी भगवत भक्ति ही है। हमारा मन जो इतना कठोर हुआ पड़ा है, किसी तरह से वो द्रवित हो जाए और उसमें ये भगवत भक्ति पैदा हो जाए। बस इतना सा प्रयोजन ये कथा कहने का है, इतना सा प्रयोजन ये कथा सुनने का है। अतः धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की अच्छी तरह से विवेचना करें और समझें कि कौन सी चीज किस लिए है।
यहाँ पर एक व्यवहारिक उपाय बताया गया है कि हम प्रारंभ कहाँ से करें। सत्संग से। एक बार मैंने गुरुजी से, स्वामी तेजोमहनंदा जी से अपनी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स थी। वो जैसे मैंने उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया। बोले, सत्संग सत्संग सत्संग। आपको जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी कष्ट है, उस सभी का सॉल्यूशन एक ही है, सत्संग सत्संग सत्संग। वही यहाँ पर गुरुजी ने बताया है। देखो, हम सत्संग में बैठे हैं इसलिए इतनी बातें समझ में आई है ना। सत्संग नहीं करते तो ये बातें समझ में नहीं आती। सत्संग में से ही ये बातें समझ में आती हैं। कहते हैं ये जो एक अद्वै भगवान है, ये जो हमारे सामने मुरली बजा रहे हैं, परमात्मा है, जिनको अद्वै ब्रह्मा कहते हैं, वे ही अपनी माया शक्ति से ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर की माया त्रिगुणात्मिका, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है। तो इन गुणों की दृष्टि से भगवान का कोई रूप उग्र दिखाई देता है तो कोई शांत। जितने सब रूप हम जानते हैं वो भगवान के एक ही अद्वै भगवान के रूप है। कोई रूप रजोगुण प्रधान रूप होता है तो कोई सत्व गुण प्रधान। भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। समझदार मुमुक्षु लोग भगवान के सात्विक रूप का ध्यान करते हैं। जो भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं उसका ध्यान करते हैं, उस रूप का नहीं। डराने वाले हैं, हमें सजा देने वाले हैं, ऐसे नहीं, जो सबसे प्रेम करने वाले हैं। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। इससे आगे भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया है, उसे हम कल देखते हैं। तब तक के लिए श्री कृष्णा के चरणों में प्रणाम, आप सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन में, अपने हृदय में माता राधा के साथ स्वयं श्री कृष्ण जी को स्थापित देखिए। देखिए कैसे वो आपके हृदय में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो कोई बाहर नहीं, स्वयं आपके अंदर, वो स्वयं आप ही हैं। आप भी, मैं भी, हमारे सब आसपास, सब श्री कृष्णा के, सब भगवान के, उस एक अद्वै भगवान के अनेक रूप हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ सेम गॉड। फील हिम विद इन। वो आपकी सांसों से भी ज्यादा आपके नजदीक हैं। कृष्ण
कभी आपसे अलग है ही नहीं, आपके भीतर आप में स्वयं स्वयं आप उनमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम आप सभी को, कल फिर हम मिलते हैं आगे भगवान के अवतार का प्रयोजन समझने के लिए। तब तक बस इसी तरह उन्हें अपने हृदय में स्थापित रखिए, उनकी भक्ति में रमन कीजिए और उनके जैसे ही सदा मुस्कुराते रहिए। प्रणाम।